हाँ जी बेटा जी, हूँ अपन स्टार्ट करन जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन। सो स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। अब सब तो पहले अपन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। तो आप लाइन नू डिवाइड करना वा 5:8 के बीच। ठीक है, कि जिवें एक लाइन सैगमेंट आपां नूं दित्ता होया 7.6, असीं इहनूं 5:8 डिवाइड करांगे ईक्वल पार्ट्स दे विच, यानी कि 5 ते 8, यानी 5 पार्ट इधर ते 8 पार्ट इधर। इस तरह असीं लाइन नूं डिवाइड करांगे। जदों भी आपां लाइन सैगमेंट नूं रेशो 'चों डिवाइड करदे हां ते आपां किवें डिवाइड करदे हां, सो स्टैप बाय स्टैप तुसीं समझना बेटा। सब तो पहला स्टैप तो यही जो उन्होंने आपां नूं किया है कि तुसीं लाइन सैगमेंट ड्रॉ करो किन्ने सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। सब तो पहला असीं 7.6 सेंटीमीटर की एक जिहड़ी लाइन आ उह ड्रॉ करांगे। एरिया बेटा जी अपने को 0 और एरिया 7.5 और एरिया 7.6 7.6 सेंटीमीटर के पॉइंट मार्क करांगे तो आप की कर देवे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा जी। सो जो भी आप किसी लाइन सैगमेंट को डिवाइड करना हों, आप नाम दे दें ए ते बी दे दें, तो आप करते हैं एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्यूट समझते हो 90 डिग्री तो छोटा। चाहे तो वैसे तुम स्ट्रेट लाइन भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं एक्यूट एंगल के लिए, तो या तुम कंपस के नाल एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री किन्ने का भी एंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लैनी हाँ ताकि थोड़ा कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चाहो तो बेटा जी तुम डायरैक्ट स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप करते हैं 60 डिग्री का एंगल, जरा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, कंपस में ना तो ज़्यादा वध खोलियो तो ना ही ज़्यादा घट खोलनी है। ठीक है, सो एरिया साढ़ा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो इनू आप नीचे वालों की कर देवे रोटेट कर देवे। तो हूँ आपने एक लाइन जी इस पॉइंट तो की कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। ठीक है बेटा जी, चाहे इस तो छोटा भी बना सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं, जिहड़ा मर्जी तुसीं एंगल जिहड़ा आ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूट होना चाहिए एंगल, यानी 90 डिग्री तो छोटा। क्लीयर। सो हूँ आप जी भी लाइन ड्रॉ की है बेटा, हूँ साढ़े को रेशो जी 5:8 के आपने डिवाइड करना। जो भी असी लाइन सैगमेंट रेशो चो डिवाइड करना तो असी कि आर्क्स लगानियाँ दोनों का टोटल, यानी कि 8+5 की आ जूगा साढ़े को 13, तो आपने कि आर्क्स लैके चलनिया 13 आर्क्स लैके चलनिया। तो कंपस में मैं थोड़ा कहूँगी ना तो ज़्यादा वध तो ना घट, बहुत ही घट कंपस में खोलना ताकि आप लाइन सैगमेंट 13 आर्क्स फिक्स कर सकी। ठीक है बेटा जी, सो मैं बहुत घट कंपस खोल रही हूँ, थोड़े तो है तुम कि कंपस खोलते हो। ठीक है, यही है कि आप लाइन में इस तो वधा नहीं सकते, इस लाइन में जिन्ना मर्जी लंबा लेके जा सकते हैं अपने ते, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लीकेट होगा। सो बैटर है कि असी इनू थोड़े पार्ट जी कंपस अपनी वो घट खोल लीए। ठीक है, सो 13 पार्ट्स विच करांगे अपन डिवाइड। 1, कंपस में हिलाना नहीं है, जिन्नी एक बार खोल लीए बस उन्ने दे नाल ही। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हजे भी कंप्लीट नहीं आई तो असी लाइन में थोड़ा जिहा वधा देवे अगे का। ठीक है, इस रोटेशन असी उन्हों वधा देवे। हुण उम्मीद है कि आ जाऊगा। ठीक है, जिनी कंपस आपने पहला खोली सी उन्नी किन्ने हो गए सी अपने पार्ट, एक बार आप काउंट कर लें। लाइक ए 1, 1, 2 नाम दे दें, ए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि असी 2 आर्क्स जो होर ड्रॉ करा। 11 हो गया, आपको 13 चाहिए ने, 12, 13। ठीक है बेटा जी, सो ये लग गई साड़ियाँ 13 आर्क्स। तो हूँ आप लोग जो भी बेटा जी आप लाइन सैगमेंट रेशो से डिवाइड करते हैं तो जिन्नी भी साड़ी लास्ट आर्क आ 13 आर्क आ 13 नूं असी की करना इस बी पॉइंट दे नाल की कर देना, ज्वाइन कर देना। ठीक है, सो असी 13 नूं इहदे नाल की कर देवांगे, ज्वाइन कर देवांगे। तो हूँ जो असी इक्वल रेशो बेटा जी लैके चलते हैं तो हमेशा असी की करते हैं इक्वल डिस्टेंस से लैके चलते हैं, ये पैरलर जी असी लाइन ड्रॉ करनी है। किन्ने तो लाइन ड्रॉ करा, 5 तो लाइन असी ड्रॉ करा ताकि इधर साढ़े को बाकी 8 पार्ट्स बच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वह कंसैप्ट की है बेटा, हूँ इनू ध्यान के समझना है।
तुसी की करना है, कंपस नू ना तो ज़्यादा वध खोलना है तो ना ही ज़्यादा घट खोलना है। थोड़ी जी कंपस खोल के असी 13 तो की लगा लेनी है, आर्क लगा लेनी है। वो डिपेंड करता कि चाहे 11 तो अगे चली जाए 12 तक जल्द कोई फर्क नहीं पैंदा, एक आर्क असी ने ड्रॉ कर देनी है। तो 19 कंपस ही खोल के, जिनी पहला खोली है 19 कंपस ही खोल के असी की करना 5 ते, क्योंकि सानू 5:8 चाहिए। तो 5 ते रख के आपने की लगा देनी है, आर्क जी लगा देनी है। 5 ते रखांगे जिथे लाइन नू इंटरसैक्ट किया सी, दैन उत्थों की लगा देनी असी आर्क। किन्नी आर्क कंपस खोलनी है? जिन्नी 13 तो इत्थों खोल के आर्क लगाई सी। क्लीयर? हुण असी ने मईयर करनी है इहदी चाप कि जिन्नी इत्थे आर्क लगी सी उन्नी कंपस खोलांगे, यानी कि इन्नी जिन्नी ये आर्क लगी हुई है इन्नी कंपस खोलांगे, तो इन्नी कंपस तो इत्थे की लगा देवांगे आर्क एक लगा देवांगे। क्लीयर बेटा जी? जिन्नी कंपस इत्थे खुली हुई है, ठीक है, उन्नी कंपस खोल के जिहड़ी असी आर्क लगाई सी उत्ते कट कर देवे। क्लीयर? सो हूँ जिथे असी कट किया तो बिल्कुल पैरलर लाइन असी 5 तो जिथे इंटरसैक्ट किया उस पॉइंट तो असी स्ट्रेट लाइन जी ड्रॉ कर देंगे, जिड़ी कि ये की होगी पैरलर होगी। ठीक है बेटा जी? हूँ असी इनू ज्वाइन कर देवे। सो ए की आ गई साड़ी 5:8। क्लीयर बेटा जी? हूँ ए इक्वल रेशो जो डिवाइड हो गई है, जो सानू रिक्वायर्ड आंसर चाहिए सी। याद रखो ये लाइना दोनों की होनी चाहिए पैरलर, यानी कि डिस्टेंस इन्हों का की होना चाहिए इक्वल। जिदा कि हूँ साड़ी बी ए 13 जी पैरलर हैगी कि इतने अगर असी कोई पॉइंट नाम दे दें लाइक सी दे दें सी ए 5 दे बिल्कुल की आ ये पैरलर आ। सो जो भी एक्सट्रा लाइनस ने उन्होंने असी की कर देवे इरेज कर देंगे। सो ये हो गया साडा।